हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, लॉग 10x प्लस वाई इक्वल टू ए, लॉग x प्लस 10y इक्वल टू बी। हमें लॉग x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन को हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। क्या है हमारा, लॉग 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसका देखिए बेस है हमारा 10। क्या है 10, एक फार्मूला है जिसे दिया हो लॉग x बेस टू वाई इज इक्वल टू पी। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y के पावर p, ठीक है। उसी तरह इसमें भी होगा 10 के पावर a हो जाएगा, तो लिखेंगे 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के पावर a, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या है हमारा, लॉग x प्लस 10y इज इक्वल टू b, ठीक है। देखिए ये भी बदल जाएगा, ये भी हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 के पावर b, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें ये दो नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फोर्थ है। अब इन दोनों से हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। हम इक्वेशन फोर्थ में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन फोर में इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 100y इक्वल टू 10 बी के बी प्लस 1, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर हो जाएगा 1, ठीक है। अपन 3 और 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 3। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन 5 क्या है, ये है, और यहाँ लिखते हैं 10x प्लस 100y इज इक्वल टू 10 के पावर बी प्लस 1। और इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर बी, ठीक है, 10 के पावर ए, क्या हो जाएगा ए। अब इसके बाद माइनस करेंगे, माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 99y इज इक्वल टू 10 के पावर बी प्लस 1 माइनस 10 के पावर ए। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू 10 के पावर b प्लस 1 माइनस 10 के पावर a होल अपॉन 99। ये हमें y का वैल्यू मिला, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 3 में इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 वाला इक्वेशन क्या था हमारा, 3 वाला इक्वेशन था हमारा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के पावर a, ठीक है, यही था हमारा। तो 10x प्लस वाई हमारा कितना है, 10 के पावर b प्लस 1 माइनस 10 के पावर a होल अपॉन 99 इज इक्वल टू 10 के पावर a। ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10 के पावर a माइनस 10 के पावर b प्लस 1 माइनस 10 के पावर a होल अपॉन 99। अब एलसीएम लेंगे और 10 इधर आएगा, 9 ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 99 10 के पावर a माइनस ये हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर b माइनस होल अपॉन 990, ठीक है। 10 इधर आ गया, 990 हो गया। अब माइनस होगा, फिर जब माइनस होगा तो क्या बचेगा, x इक्वल टू 10 के पावर a माइनस, यहाँ पर हम 99 10 के पावर a और माइनस 10 के पावर a माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98, ठीक है। कितना आ जाएगा, 98 10 के पावर a माइनस 10 के पावर b प्लस 1 होल अपॉन 990, ठीक है।
ये हमें किसका वैल्यू मिला, एक्स का, सॉरी ऊपर हमें वाई का वैल्यू मिला था। अब दोनों को हम उस लॉग एक्स प्लस वाई में पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। अब हमें देखिए एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया है, अब हमें बस इसमें पुट करना है। तो हम ये अब लिखेंगे लॉग बिग ब्रैकेट एक्स है, एक्स हमारे कितना है, ये है, तो लिख देंगे 98 10^a - 10^b+1 होल अपॉन 990 प्लस बी, हमारा वाई कितना है, 10^b+1 माइनस 10^a होल अपॉन 99 क्लोज। इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ आप लिखते हैं लॉग बिग ब्रैकेट, अब एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 990 होल अपॉन हो जाएगा, एकदम सेम आ जाएगा, तो लिख देंगे 98 10^a - 10^b+1 प्लस, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 × 10^b+1 माइनस 10b^a, सॉरी 10^a, कितना हो जाएगा 10^a। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लॉग, यहाँ पर देखिए 98a है, यहाँ पर 10 10^a है, तो माइनस होगा तो आ जाएगा 88a 10^a यहाँ पर देखिए 1 है 10^b+1 यहाँ पर 10 है 10^b+1 तो माइनस होगा तो हो जाएगा प्लस 9 10^b+1 होल अपॉन 990। ये हमारा जो आंसर आया है ए और बी के फॉर्म में आया है, तो यही हमारा राइट आंसर है।